हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप किसी रीजन से अपने जून 2021 के जो आपके एग्जाम होने वाले थे उसके लिए जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने थे वो अगर आप किसी रीजन की वजह से अभी सबमिट नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा। आपके एग्जाम जो है या तो अगस्त में होंगे या फिर दिसंबर में होंगे। अगस्त में आपके फाइनल ईयर वगैरह वाले तो एग्जाम होने वाले हैं, जितने बच्चे बचेंगे जिनके एग्जाम अभी अगस्त में नहीं होंगे उन सभी के एग्जाम आपके दिसंबर में इग्नू कंडक्ट करेगा। तो उन एग्जाम्स के लिए अगर आपने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, आप असाइनमेंट सबमिट किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते हैं तो आप दोबारा असाइनमेंट कब सबमिट कर पाएंगे, एंड साथ ही में आपको क्या करना होगा असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आपके असाइनमेंट सबमिट करना आपको इंपॉर्टेंट क्यों। देखिए, असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं करेंगे तो आप सभी को पास नहीं माना जाएगा। आपके एग्जाम चाहे अगस्त में हो चाहे दिसंबर में हो, जब भी आप एग्जाम क्लियर करेंगे अपना, अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं बट असाइनमेंट में आप फेल हो जाते हैं, यानी कि असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं किया है या फिर असाइनमेंट में आप फेल हो जाते हैं तो आपको पास नहीं माना जाएगा, आपके ग्रेड कार्ड में नॉट कम्प्लीटेड शो होगा। आप सभी को इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करना कंपलसरी होता है, नहीं तो आपको जो है पास नहीं माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट अगर आप सबमिट नहीं कर पाए तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, आपको पास नहीं माना जाएगा। आप जो है अपने नेक्स्ट सेशन में अपने असाइनमेंट को जो है सबमिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर में जब भी अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे तब भी आप अपने असाइनमेंट जो है उसी के साथ में सबमिट कर सकते हैं। सो इसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको इतना होता है कि आपको पास नहीं। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो देखिए आपके लिए प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो आपको जो है अपने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आपने सारे के सारे जो है अपने एग्जाम्स को पास कर लिया है बट असाइनमेंट में आपने सबमिट नहीं किया तो आपको पास नहीं माना जाएगा। सो मेक श्योर आप अपने टाइम पे असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपने नेक्स्ट सेशन में जो है असाइनमेंट जल्दी जल्दी सबमिट करके जो है अपना ग्रेड कार्ड जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अपना कोर्स जो है कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो देखिए ऐसा होता है इग्नू में कि आप जब असाइनमेंट आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आप दोबारा नहीं कर पाएंगे, आपको एक्स्ट्रा फी वगैरह पे करनी होगी या एग्जाम दोबारा देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, आपकी डेट जो है निकल चुकी है, आपके आपके स्टडी सेंटर वाले आपके असाइनमेंट्स एक्सेप्ट अभी नहीं कर रहे हैं, आपकी डेट जो है निकल चुकी है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा उसमें अपने असाइनमेंट्स को जो है दोबारा आप सबमिट कर दीजिएगा, आपके जो है मार्क्स अपडेट कर दिए जाएंगे जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। सो इतना सिंपल है, और फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए भी यही है। नेक्स्ट सेशन में आपने जो है असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा, आपका जो है जब भी ग्रेड कार्ड अपडेट किया जाएगा तो आपके जो है वहाँ पे मार्क्स आ जाएंगे एंड आपकी जो है कंप्लीट पूरी शो हो जाएंगी। सो असाइनमेंट का ऐसा कुछ चीज नहीं है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा फी वगैरह जो है पे करनी पड़ती है कुछ। इवन आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ असाइनमेंट आप अभी सबमिट कर सकते हैं, कुछ असाइनमेंट आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 1 साल जब भी आपका आप बनाएंगे अपने असाइनमेंट तब जो है आप सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए 3 असाइनमेंट आपने अभी सबमिट कर दिए, रेस्ट 3 आप बाद में सबमिट करना चाहते हैं, तो ऐसा भी आप जो है इग्नू में कर सकते हैं। इसके लिए भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन इग्नू ने नहीं लगाई है कि आप सभी को कोई एक्स्ट्रा फी जो है पे करनी पड़ेगी या फिर कोई और आपके साथ कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप सिंपली अपने असाइनमेंट को जो है दोबारा सबमिट कर दीजिएगा, आपके मार्क्स को जो है अपडेट कर दिया जाएगा। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यही आज की इस वीडियो थी। स्टूडेंट के मन में अगर कोई डाउट है असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और असाइनमेंट का आपको बता ही दिया, आप नेक्स्ट सेशन में अपने असाइनमेंट जो है दोबारा सबमिट कर सकते हैं। कोई भी आपको लेट फीस या फिर दोबारा एग्जाम ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको असाइनमेंट को जो है दोबारा सबमिट करना पड़ेगा।